हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और कारवी ब्रोकिंग के रवि सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। तपन, पहले आपके पास आना चाहेंगे, आज की आपकी टॉपिक्स क्या है? जी गुड इवनिंग मनीषा, पहली टॉपिक रहेगी गोल्ड में। तो जैसे आपने बताया कि अच्छी रिकवरी हमको रिसेंट लो से देखने को मिल रही है, तो जो यूएस चाइना ट्रेड डील के जो कंसर्न्स आ रहे हैं तो वो एक रीजन है। और दूसरा डॉलर इंडेक्स में भी जो रिसेंटली जो आज जो वीकनेस स्ट्रेंथ देखने को मिली है रुपये के सामने, तो उसका एक सपोर्ट प्राइस में है। तो मुझे लगता है 37,950 एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए गोल्ड में। ऊपर में टारगेट रहेगा 38,200 का और स्टॉप लॉस 37,800 का रहेगा। दूसरी मेरी पिक रहेगी क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में जैसे आपने बताया कि बेरिश कंसर्न्स है, अभी भी जो वीक डिमांड आउटलुक है, आईए का भी जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट है वो भी एक वीक डिमांड आउटलुक की तरफ दर्शा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री का भी प्रेशर अभी आज रात को आएगा। तो 4060 एक अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए। डाउन साइड टारगेट 3980 रहेगा और स्टॉप लॉस 4110 मेंटेन करना चाहिए। सोने में खरीदारी की राय और कच्चे तेल में आज बिकवाली की राय यहां पर तपन की तरफ से। व्हाट्सएप पर हमारे पास एक मैसेज आया है, निशाल संभल यूपी से हमें लिखते हैं कि इन्होंने जिंक के 3 लॉट यहां पर बेचे हैं 188 पर और सोने के 2 लॉट्स इन्होंने खरीदे हैं 38,230 पर। तपन, पहले जिंक की बात कर लेते हैं, बिकवाली की है 188 पे, क्या करना चाहिए? जी, बेस मिनरल्स की बात करें तो थोड़ा करेक्शन यहां से दिख रहा है। जैसे यूएस चाइना ट्रेड डील की जो अनसर्टेनिटी मार्केट में आ रही है, तो उसके कारण आई थिंक 191-190 का सपोर्ट जो है वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं। तो वहां पे एक बार उनको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है वो अगर नवंबर में अगर टेम्पररी डील साइन होती है तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा मार्केट बेस मिनरल्स के लिए। तो 190 लेवल के अराउंड अपनी पोजीशन उनको एग्जिट कर देनी चाहिए। और गोल्ड की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि यहां से 38,200 तक का तो लेवल दिख ही रहा है, तो ये जो पैनिक बाइंग आ रही है थोड़ी सी भी, तो वहां तक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक प्राइसेस जा सकती है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक स्टॉप लॉस आप 37,700 का मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखते हैं। चलिए, तो आप जिंक में जो आपने बिकवाली करी है उसे होल्ड करिए, लेकिन 188 की सेलिंग है तो आपको थोड़ा उन लेवल्स का इंतजार करना होगा। सोने में जो खरीदारी है वो ऑफकोर्स यहां पर काफी एप्ट है। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, जब लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों को यहां पर शो में शामिल करेंगे। अपन और रवि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी व्यूअर्स को मदद करने के लिए भी। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।